हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। जी बिल्कुल दोस्तों, ये चैप्टर ही है जहां से हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन की शुरुआत होती है। इस चैप्टर को समझने के लिए आपको दो चीज क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले आपको चैप्टर 1 के बारे में पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग क्या होती है। दूसरा, आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, उसके बारे में पता होना चाहिए। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि यदि आपको इन दोनों चैप्टर में कोई डाउट है तो आप मेरी वीडियो देखिए। मेरी ने इस दोनों चैप्टर पे कंप्लीट वीडियो बना रखी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो उन वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में हम जानेंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। टॉपिक शुरू करने से पहले एक कोट पढ़ाना चाहूंगा मैं आपको। If I had 8 hours to chop down a tree, I did spend 6 hours in sharpening my axe. ये quote बोला है अब्राहम लिंकन। ये quote से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, पहले आइए जानते हैं इसका मतलब क्या है। तो अब्राहम लिंकन सर कह रहे हैं कि अगर उन्हें एक पेड़ काटना है ना, और उनके को 8 घंटे दिए गए हैं, तो पहले 6 घंटे वो अपनी आर्क अपनी एक्स को शार्प करने में लगाएंगे, अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करने में लगाएंगे, जो कि बिल्कुल ठीक भी है। अगर इनकी कुल्हाड़ी शार्प होगी, पैनी होगी, तो इनको पेड़ काटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये कोट मैंने आपको इसलिए पढ़ाया ताकि मैं आपको चाहता हूँ कि ये हो सकता है ये चैप्टर जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ ना, इसमें आपको 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, आधा घंटा भी लग सकता है, हाफ एन आवर भी लग सकते हैं, बट हो सकता है समझने में आपको टाइम लगे। बट जब एक बार ये आपकी समझ में आ गया ना, तो आपको क्वेश्चन करने में 5 से 6 मिनट से ज्यादा इस क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगेगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आपको करना क्या है, बस आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और जो मैं समझा रहा हूँ उसे एक नोट डाउन करते जाना है कि क्या क्या मैंने आपको बोला है करने के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ इक्वेशन विच इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन के बीच में आपस में कैसा रिलेशन होता है। इसको मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा। दूसरी जो डेफिनेशन है इसकी ना, वो है अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ इक्वेशन विच शो दैट एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस आर इक्वल। बिल्कुल, अकाउंटिंग इक्वेशन दूसरा हमें बताते हैं कि जितना एसेट है ना, उतनी ही हमारी लायबिलिटी भी है। तो ये जो सेकंड इक्वेशन है, ये जब हम लेक्चर को खत्म करने वाले होंगे तो वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में मतलब क्या है। अभी मैं आपको फर्स्ट डेफिनेशन का मतलब समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। मानिए गोपाल है, ये गोपाल है, गोपाल का बिजनेस है बेकरी का, और ये इसके बिजनेस में ट्रांजेक्शन होती है। ये रामनाथ है जो कि अकाउंटेंट है। तो क्या हुआ कि रामनाथ के बिजनेस, गोपाल के बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुई, कैश सेल हुई, कैश परचेज हुई, क्रेडिट सेल हुई, क्रेडिट परचेज हुई। अब ये रामनाथ जी जो अकाउंटेंट है, ये अपने लैपटॉप में चढ़ाएंगे कि क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है, कितने समय पे हुई है, कितने बजे हुई है और किस चीज की हुई है। तो क्या हुआ, पहली ट्रांजेक्शन हुई जैसे कैश सेल की। अब ये देखेंगे भाई, पहली ट्रांजेक्शन जो हमारी कैश सेल्स की हुई है, बिजनेस की कौन सी हुई है, कैश सेल, मतलब सेल हुई है बिजनेस में, कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचा गया है। अब कैश सेल हुई है तो क्या होगा, हमारा कैश बढ़ गया, बट सेल्स क्या हुई, मतलब हमारी कैश बढ़ गया और हमारा जो स्टॉक है उसका क्या हुआ, स्टॉक कम हो गया। तो इस तरह का रिलेशन हमें देखना होता है कि जब कुछ चीज बेची गई है या खरीदी गई है तो उसका अदर एसेट या लायबिलिटी पे क्या फर्क पड़ा। जैसे कि कैश परचेज हुई, क्या हुई, कैश परचेज हुई। अब कैश परचेज की बिजनेस ने तो क्या होगा, कैश बिजनेस के पास क्या हुआ, कम हो गया, और स्टॉक बिजनेस के पास क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस तरीके की चीजें हमें देखी जाती है बिजनेस की एंट्री में, बिजनेस की ट्रांजेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल अभी कैश सेल की मैंने बात की कि कैश तो बढ़ जाता है पर क्या कम हो गया, स्टॉक कम हो गया, क्या कम हो गया, स्टॉक कम हो गया। ऐसे मैं बात करूंगा क्रेडिट सेल की। अब क्या हुआ कि बिजनेस की सेल तो हुई पर उधार पे हुई, जब बिजनेस की सेल हुई तो इसमें स्टॉक कम हो गया, बिजनेस का स्टॉक कम हो गया और क्या बढ़ गया, डेटर्स बढ़ गए, मतलब डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, तो वो लोग बढ़ गए। तो इसमें हमें क्या करना है, इस तरह की चीजें ही समझनी है अकाउंटिंग क्वेश्चन में। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपका चैप्टर नंबर 2 क्लियर नहीं है तो प्लीज आप एक बार उसे जरूर क्लियर कर लीजिए, तभी आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं और समझने की। अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है, मतलब कैश, डेटर, फर्नीचर, कोई भी एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो हमें क्या करना है, उसके अमाउंट को हमें करना है प्लस, एड करना है। अगर कोई एसेट डिक्रीज हो रहे हैं तो उसके अमाउंट को हमें करना है माइनस। सिंपल चीज है, अगर कोई भी एसेट की वैल्यू आपको ट्रांजेक्शन देख के लग रहा है भाई इससे तो हमारा एसेट बढ़ गया, हमारा कैश बढ़ गया, तो आपको उसको प्लस कर देना है। आपको ट्रांजेक्शन देख के लग रहा है भाई इससे तो बिजनेस में एसेट जो है हमारा कैश कम हो गया, तो उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है। सेम थिंग आपको लायबिलिटी में करनी है। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो अगर बिजनेस की लायबिलिटी कम हो गई है तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि परचेज करा हमने क्रेडिटर से,
उधार पे परचेज किया हमने क्रेडिटर से, तो क्या हुआ कि हमारा स्टॉक भी बढ़ गया क्योंकि हमने परचेज किया और हमारे क्रेडिटर भी बढ़ गए, मतलब हमारी लाइबिलिटी भी बढ़ गई, कर्ज भी बढ़ गया। तो ये दोनों सिचुएशन में हमें प्लस करना होगा। अगर लाइबिलिटी कम होती है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है कि हमने लाइबिलिटी क्रेडिटर को हमने पैसे दे दिए, क्रेडिटर को जो हमने सामान लिया था उसके पैसे हमने दे दिए, तो लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, पर अभी के लिए आप एक नोट बनाते चलिए कि जब क्या चीज इंक्रीज होगी तो हमें क्या करना है, जब कोई चीज डिक्रीज होगी तो हमें क्या करना है। अब समझते हैं एक इंपॉर्टेंट और चीज कैपिटल के बारे में। कैपिटल जब इंक्रीज होती है, तब जब बिजनेस में प्रॉफिट और गेन होता है ना, तो कैपिटल इंक्रीज होती है, तो हमें प्लस करना होता है। जब भी किसी बिजनेस में प्रॉफिट और गेन हो गया, आपको पता चल गया ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं कि भाई इसमें तो हमें प्रॉफिट हो गया, हमने 4,000 का सामान 5,000 में बेच दिया, तो जो 1,000 रुपया है वो कैपिटल में प्लस होगा। कहाँ प्लस होगा? कैपिटल में प्लस होगा। जब कैपिटल डिक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है कैपिटल? जब एक्सपेंस या कोई लॉस हो जाए, तब हमें माइनस करना होता है। हमें क्या करना होता है? माइनस करना होता है। तो ये तीन कंसेप्ट आप अपने ध्यान में रखिए। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एसेट इंक्रीज होते हैं प्लस कीजिए, एसेट डिक्रीज होते हैं माइनस कीजिए, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है प्लस कीजिए, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है माइनस कीजिए, कैपिटल इंक्रीज होती है मतलब जब प्रॉफिट एंड गेन होता है तो कैपिटल में प्लस होगा, जब एक्सपेंस एंड लॉस होता है तो कैपिटल में माइनस होगा। बस ये तीन चीज आपको समझनी है, आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वहां पे इनका बहुत ज्यादा यूज होगा। आइए चलते हैं अब आगे। फोर कंसेप्ट यू ऑलवेज रिमेंबर बिफोर डूइंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन, चार बातें जो आपको पता होनी चाहिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से पहले। कंसेप्ट नंबर वन, ईच ट्रांजेक्शन हैव एटलीस्ट टू इम्पैक्ट एंड ऑल ट्रांजेक्शन आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। कहना का मतलब है कि हर ट्रांजेक्शन जो भी आप करेंगे ना, उसके कम से कम दो इम्पैक्ट होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं पर कम से कम दो तो होंगे ही होंगे, और हर एक ट्रांजेक्शन एक दूसरे से लिंक होगी। ये नहीं है आपने पहले ट्रांजेक्शन कर दी और आप उसे भूल गए, नहीं भूलना नहीं है, उसका भी यूज है हमारी अगली ट्रांजेक्शन में। आई होप आपको पहला कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट नंबर टू में है कि यू आर एन अकाउंटेंट। बिल्कुल, आप जब भी अपने अकाउंट से क्वेश्चन करें ना, तो समझिए कि आप एक अकाउंटेंट है, आपको एक बिजनेस की ट्रांजेक्शन दी गई है। ऐसा करने से क्या होगा, आपकी 50% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। जब आप ये मान लेंगे कि आपको किसी बिजनेस की ट्रांजेक्शन दी गई है और आपको एक अपने नोटबुक में चाहे अपने नोटबुक पे लिखनी है, तो यहाँ से आप एकदम बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से सोचेंगे कि भाई बिजनेस में अगर ये चीज हुई है तो इसका क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है, तो 50% चीजें तो यकीन रखिए आप तभी सोल्व कर देंगे। चलिए आप कंसेप्ट नंबर थ्री पढ़ते हैं। यू मस्ट नो व्हाट आर एसेट, आपको पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या है, क्योंकि इसका बहुत अहम रोल है प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। कैश एट हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, बिल रिसीवेबल, डेटर, प्रीपेड एक्सपेंड एंड गुड्स, ये क्या, ये सारे हमारे एसेट्स हैं। तो इनके बारे में आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी आप इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। अब पढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर फोर के बारे में। यू मस्ट नो व्हाट आर लायबिलिटी, आपको पता होना चाहिए कि लायबिलिटी क्या है। लायबिलिटी एक तरह का कर्ज होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, बिल पेबल, शॉर्ट टर्म लोन और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये एक तरह की क्या है, लायबिलिटीज है। आई होप आपको यहाँ तक मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा। अब आज ये करते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज, मिस्टेक यू शुड अवॉइड, नेवर टेक डिसीजन सो क्विकली, ऑलवेज अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन फर्स्ट। बिल्कुल, कभी भी ना अकाउंट्स करते वक्त जल्दबाजी मत करिए, उसकी ट्रांजेक्शन को समझिए, जो भी अकाउंट में ट्रांजेक्शन लिखी हुई है, जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसे समझिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि रामनाथ जी ने ना गलती कर दी। रामनाथ जी को कहा गया बिजनेस में कि आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एक अ 1 रुपीज नोट विच विल डबल्ड ईच डे फॉर 30 डेज। पहला ऑप्शन दिया गया कि आपको 1 रुपए का नोट दिया गया जिसकी वैल्यू आने वाले 30 दिन तक डबल होती जाएगी। दूसरा कहा गया कि टेक 5 करोड़ नाउ, 5 करोड़ रुपीज दे दिए गए कि ये 5 करोड़ रुपए हैं। तो इससे कहा गया कि इन दोनों ट्रांजेक्शन में जो बिजनेस के लिए यूजफुल ट्रांजेक्शन है ना उसे आप नोट करिएगा। क्या कहा गया कि इन दोनों ट्रांजेक्शन में जो बिजनेस के लिए बहुत यूजफुल ट्रांजेक्शन है आप वो नोट कीजिएगा। तो भाई रामनाथ ने दिमाग लगाया, रामनाथ ने कहा ये तो 1 रुपीज है, दूसरे दिन 2 रुपए हो जाएगा, तीसरे दिन 4 रुपए हो जाएगा, इसमें क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो रामनाथ जी ने क्या करा, रामनाथ जी ने अपनी बुक में कहा कि भाई 5 करोड़ रुपए इसने चढ़ा दिए। क्या करा दिए, 5 करोड़ रुपए इसने अपने अकाउंट से बुक में चढ़ा दिए, जो कि इसने सबसे बड़ी बेवकूफी की, क्योंकि जब इसने 1 रुपीज नोट बोला हुआ है और 30 डेज तक बोला हुआ है तो इसको 30 डेज तक जाना चाहिए था। इसने आधे में देखा, आधे में इसको लगा कि कोई ज्यादा वैल्यू नहीं जा रही, तो इसने सोचा कि 5 करोड़ रुपए का 5 करोड़ रुपए का अमाउंट लिख देता हूं, जो कि सबसे बड़ी गलती थी। अगर ये पूरा 30 डेज तक जाता ना, तो उसे पता चलता कि 30 डेज तक वो अमाउंट क्या हो जाता, वो अमाउंट हो जाता 5,36,87,912 रुपीज हो जाता। तो इसकी बेवकूफी की वजह से बिजनेस को 36 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप रामनाथ से बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। बट यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप जब भी अकाउंट करें तो पूरी ट्रांजेक्शन को समझ के करें, यही मेरा मोटिव है इस एग्जाम्पल को लेकर।
चलिए अब आगे चलते हैं। आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा और मैं जो समझाना चाहता हूँ वो भी आपको समझ में आया होगा कि अकाउंट्स करते वक्त किस चीज का ध्यान रखना है। अब ना एक बार फॉर्मेट समझ लेते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है। तो सबसे पहले सीरियल नंबर आता है, फिर ट्रांजेक्शन आता है, उसके बाद हम यहाँ पे एसेट्स लिखते हैं और थोड़ी दूर करके इक्वल डाल के यहाँ पे लिखते हैं लायबिलिटी प्लस कैपिटल। आपको मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था 2011 में, तो मैं क्या करता था, मेरे से गलती होती थी कि मैं ये इक्वल ना यही एसेट के पास डाल देता था, जिससे पूरा सा मेरा नंबर मेरे मार्क्स कट जाते थे। मैडम, मुझे समझाया गया इस बारे में, तब मेरे को इसको इस कंसेप्ट को अच्छी तरह याद हो, तभी मैं आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे मेरी थोड़ी पिटाई भी हुई थी, तो मुझे ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से याद है कि हमें जब भी एसेट के बाद लिखना है, एसेट के बाद थोड़ा स्पेस देके इक्वल का साइन डालना है, उसके बाद लायबिलिटी प्लस कैपिटल लिखना है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमें फॉर्मेट कैसे बनाना है। ऐसा क्यों करना है मैं आपको बताता हूँ। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि एसेट के नीचे ना हम एसेट वाली चीजें लिखते हैं जो कि काफी ज्यादा होती है क्वेश्चन में। कैश लिखते हैं, स्टॉक लिखते हैं, डेटर लिखते हैं और फर्नीचर लिखते हैं। ये चार तो मेन होते ही होते हैं, इसके अलावा भी और हो सकते हैं, ये हमें क्वेश्चन पढ़ के पता चलता है। और यहाँ पे हम लिखते हैं क्रेडिटर प्लस कैपिटल। लायबिलिटी के अंदर लायबिलिटी के ज्यादा ऑप्शन नहीं होते, मोस्टली क्रेडिटर जो होते हैं, नहीं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, और कैपिटल तो कैपिटल ही रहता है। आई होप आपको समझ में आता हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ऐसा गलत हो जाता है। अगर हम ये इक्वल यहीं एसेट के पास डाल के लिख देंगे ना, तो क्या होता है कि लायबिलिटी के नीचे हम ये एसेट वाले आइटम भी दिखा देते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। तो मेक श्योर कि एसेट के नीचे एसेट वाले आइटम हो और लायबिलिटी के नीचे लायबिलिटी वाले आइटम हो। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है जब आप क्वेश्चन करें। अब क्वेश्चन करने कैसे, आपको मैं वो समझाता हूँ। सबसे पहले आपकी बुक में आपको ट्रांजेक्शन दे रखी होगी, अभी आप खाली समझिएगा कौन सा अमाउंट मैं कहाँ लिख रहा हूँ, वो अभी आपको समझना नहीं है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन दे रखी होगी, तो आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे कैश में अमाउंट लिखना है और ये कैपिटल में अमाउंट लिखना है। मतलब जहाँ पे भी अमाउंट आ रहा है वहां पे अमाउंट लिखना है, और जहाँ पे कुछ नहीं आ रहा वहां पे आपको क्या लिख देना है, वहां पे आपको 00 प्लस डाल के 0 डाल देना है। सेम इसी तरीके से जैसा आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये अमाउंट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा वो मैं आपको बताऊंगा अपने अभी कुछ ही देर में। ऐसे फिर आपको एक लाइन डालनी है और उसकी बैलेंसिंग फिर दोबारा से वैसे करके लिखनी है। पहली एंट्री आपको ऐसे ही करनी है जैसे मैंने आपको करके दिखाई। आई होप आपको समझ में आएगा। अब क्या करना है, उसकी और भी एंट्री दे रखी होगी उसी क्वेश्चन की, तो आपको सेकंड एंट्री लिखनी है यहाँ पे ऐसे। सेकंड एंट्री लिखने के बाद सेम ये भी जहां जहाँ जाएगी इसको वहां वहां आपको पुट कर देना है, और जहां कुछ नहीं आएगा वहां पे आपको 0 लगा देना है। वही बात है कि आपको ये देखना पड़ेगा ट्रांजेक्शन समझ के कि वो प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, ये चीज आपको जरूर समझनी होगी। प्लस हो रहा है तो प्लस करना है, माइनस हो रहा है तो माइनस करना है, वो भी आपको मैं अभी समझाऊंगा। ऐसे सेम फिर आपको बैलेंसिंग कर देनी है कि कैश में 50,000 का 10,000 गया तो 40,000 आ गया, यहाँ पे 10,000 का 10,000 आएगा। सेम ऐसे ही आपको ट्रांजेक्शन करनी है, बैलेंसिंग करनी है। सेम अगली ट्रांजेक्शन में दे रखी होगी तो आपको वो भी इसी तरीके से करनी है, जहाँ पे जो चीज आएगी वहाँ पे वो डाल दीजिए, और जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 00 लिख दीजिए, उसके बाद फिर उसको बैलेंसिंग कर दीजिए, मतलब सोल्व कर दीजिए, 40 में से 5,000 गया 35,000 आ गया। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। ये जस्ट मैंने एक फॉर्मेट समझाया, कौन सी चीज कहाँ पे आएगी, कौन सी वैल्यू कहाँ पे आएगी, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। आई होप कि आपको फॉर्मेट समझ में आया होगा, जो मेरा मोटिव था अभी तक का वो फॉर्मेट को लेके था। फॉर्मेट आपको समझ में आ गया तो अब चलते हैं आगे। अब समझते हैं गोल्डन एंट्रीज। अब मैं आपको फिक्स गोल्डन एंट्री समझा रहा हूँ। अगर आपको ये छह गोल्डन एंट्री समझ में आ गई ना, तो आपको इस चैप्टर को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले है गोपाल स्टार्टेड बिजनेस ₹75,000 एज कैपिटल। तो सबसे पहले आपको वैसे टेबल बनाना है, सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन, एसेट, थोड़ी दूर करके आपको इक्वल डालना है, फिर डालना है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और अब इसके नीचे आपको फिर वही लिखना है जैसे कि लिखते हैं कैश प्लस स्टॉक प्लस फर्नीचर प्लस डेटर्स, इक्वल डालना है, फिर आपको लायबिलिटी के नीचे क्रेडिटर प्लस कैपिटल। ये जो चीज होती है ना, ये हमें क्वेश्चन पढ़ के पता चलती है कि हमें क्या लिखना है। मैंने जैसे ही बताया कि कैश, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर तो मोस्ट प्रोबली 90% केस में आते हैं, लायबिलिटी के नीचे क्रेडिटर ही आता है और कैपिटल के नीचे कैपिटल ही आता है। चलते हैं अपनी पहली एंट्री पे। तो पहली एंट्री है गोपाल स्टार्टेड बिजनेस ₹75,000 एज कैपिटल। तो गोपाल ने क्या करा है, बिजनेस स्टार्ट किया है, 75,000 उसने लगाया था कैपिटल, कैपिटल के तौर पे उसने कितने लगाए 75,000। तो अब आप है अकाउंटेंट और ये गोपाल का बिजनेस है जिसने आपको अकाउंटेंट रखा हुआ है और आपको ये ट्रांजेक्शन करनी है। तो अब दिमाग में आपके क्या चलना चाहिए कि भाई गोपाल ने अगर 75,000 रुपए अपने बिजनेस में लगाए हैं 75,000 में, तो इसके बिजनेस में तो कैश बढ़ गया और साथ में कैपिटल भी बढ़ गई। तो क्या हुआ, कैश भी इंक्रीज हो गया और कैपिटल भी इंक्रीज हो गई। 90% केस में पहली एंट्री कुछ ऐसी इसी तरीके की होगी जो कि कैश और कैपिटल में जाएगी। तो ये अमाउंट आप 75,000 कैश में डालेंगे और कैपिटल में डालेंगे, और जहां पे कुछ नहीं आया वहां पे प्लस डाल के आप 00 डाल देंगे। आई होप आपको ये समझ में आएगा। आप फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसके नीचे बैलेंसिंग करेंगे, जो अमाउंट आया वैसे का वैसा उतार दीजिए, 75,000 प्लस 0
पूरा का पूरा ऐसा उतार दीजिए। आई होप आपको पहले ट्रांजेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आएगा कि कैश इंक्रीज हुआ है, कैपिटल इंक्रीज हुआ है, तो कैश में चला गया और कैपिटल में चला गया। एक और बात मैं समझाना चाहता हूँ कि हर ट्रांजेक्शन दो जगह तो जाएगी जाएगी, इससे ज्यादा भी जगह जा सकती है, पर मिनिमम दो जगह तो जाती जाती है। अब करते हैं अपनी सेकंड एंट्री। सेकंड एंट्री हमें कह रहा है गोपाल परचेज फर्नीचर ₹4,5,000। अब क्या करा है, गोपाल ने परचेज किया फर्नीचर ₹5,000 का। तो देखते हैं, गोपाल परचेज फर्नीचर फॉर 5,000। अब देखिए, परचेज किया है गोपाल ने, आप अकाउंटेंट हैं, अब बिजनेस में क्या हुई, बिजनेस के हिसाब से सोचिए कि क्या हुआ कि परचेज किया बिजनेस में तो कैश कम हो गया ना और फर्नीचर बढ़ गया, तो क्या होगा, कैश में से 5,000 मैं माइनस कर दूंगा और फर्नीचर में मैं 5,000 प्लस कर दूंगा, और जहां पे कुछ नहीं आया वहां पे मैं वही 0,0 लिख दूंगा। आई होप आपको ये समझ में आएगा। और फिर आपको बैलेंसिंग कर देनी है, 75,000 में से 5,000 का 70,000 आएगा, यहाँ पे 0 का 0, फिर 5,000 आएगा, फिर 0 आएगा और ये 75,000 कैपिटल में आ जाएगा। तो समझ में आया होगा आपको कि ये सेकंड ट्रांजेक्शन कैसे गई। आई होप आप चलते हैं अपने थर्ड ट्रांजेक्शन पे। थर्ड ट्रांजेक्शन हमें कह रही है गोपाल परचेज गुड फॉर ₹20,000 इन कैश। अब गोपाल ने क्या किया, परचेज किया है गुड्स, 20 अपने बिजनेस के लिए परचेज किया उसने गुड्स। तो देखिए इसको समझिए, जब उसने अपने बिजनेस के लिए परचेज किया गुड्स को तो कैश कम हो गया ना उसके पास, क्योंकि अपने बिजनेस के लिए उसने परचेज किया तो कैश कम हो गया, और क्या बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया उसके पास, गुड्स बढ़ गए, मतलब स्टॉक मतलब गुड्स मतलब है स्टॉक, स्टॉक बढ़ गया। तो जो मैं 20,000 है वो कैश में से माइनस कर दूंगा और स्टॉक में मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। वही मैं यहाँ पे करूंगा, 20,000 मैंने कैश में से माइनस कर दिया और स्टॉक में मैंने 20,000 प्लस कर दिया, जहाँ पे कुछ नहीं आया वहाँ पे मैंने 0,0 डाल दिया। उसके बाद सेम फिर मैं बैलेंसिंग करूंगा, यहाँ पे मेरा आएगा 50,000, यहाँ पे 20,000 आएगा स्टॉक के नीचे, फर्नीचर के नीचे 5,000 आएगा, डेटर के नीचे कभी कुछ नहीं आया तो 0 ही आएगा, इक्वल डालूंगा, क्रेडिटर के नीचे 0 आएगा और कैपिटल के नीचे 75,000। तो ये थर्ड ट्रांजेक्शन थी। अब करते हैं अपनी फोर्थ ट्रांजेक्शन। फोर्थ ट्रांजेक्शन कह रही है गोपाल परचेज गुड फॉर ₹16,000 ऑन क्रेडिट। अब की बार फिर गोपाल ने गुड्स परचेज किए ₹16,000 के उधार पर, ₹16,000 के गुड्स परचेज किए उधार पे। अब देखते हैं कि आप अकाउंटेंट है, आप कहां का डालेंगे इस एंट्री को, आप सबसे पहले देखेंगे भाई स्टॉक फिर बढ़ गया, क्योंकि फिर गुड परचेज किया स्टॉक क्या होगा, फिर बढ़ गया। और क्या देखेंगे आप, क्रेडिटर भी बढ़ गए, क्योंकि वो 16,000 जो है उसने उधार पे लिए हैं, किस पे लिए, क्रेडिट उधार पे लिए, तो क्रेडिटर भी बढ़ गए। तो दोनों जगह क्या करेंगे आप, 16,000 प्लस कर देंगे, 16,000 स्टॉक में प्लस कर दिया, 16,000 आपने क्रेडिटर में प्लस कर दिया। सेम आप जहां पे कुछ नहीं आया वहां पे आप 0,0 डालिए और फिर आप बैलेंसिंग कर दीजिए, तो 50,000 कैश में आएगा, 36,000 हो जाएगा प्लस करके स्टॉक में, फर्नीचर में 5,000 आएगा, क्रेडिटर में 0 ही आएगा, क्रेडिटर में 16,000 आएगा और कैपिटल में 75,000 आएगा। चलिए अब चलते हैं अपनी फिफ्थ एंट्री पे। फिफ्थ एंट्री हमें कह रही है गोपाल कॉस्टिंग 12,000 गुड सोल्ड फॉर क्रेडिट ₹15,000। मतलब गोपाल ने सोल्ड किया है ₹12,000 के गुड 15,000 में। तो आइए एंट्री देखते हैं एक बार। तो अब देखिए ₹12,000 के गुड्स थे जो कि उसने कितने बेच दिए, 15,000 में। तो देखिए 12,000 के गुड्स थे, 15,000 में बेच दिए, अब सेल हुई है तो स्टॉक क्या हो गया, डिक्रीज हो जाएगा, स्टॉक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डेटर क्या हो गए, इंक्रीज हो गया, क्योंकि उन्होंने क्रेडिट पे खरीदा है। डेटर ने क्या हो गया, डेटर क्या हो गए, बढ़ गए हमारे, क्योंकि ₹15,000 की जो सेल हुई है वो किस पे हुई है, उधार पे हुई है, और साथ में कैपिटल इंक्रीज होगी। कैसे हुई, इस चीज को समझिए कि 12,000 के गुड्स थे, राइट, 12,000 के गुड्स थे जो कि 15,000 में बेचे, तो ₹12,000 तो हमारे किसमें से माइनस कर देंगे, स्टॉक में से माइनस कर देंगे, हमारा स्टॉक कम हो गया, 12,000 बेचे हमने ₹15,000 में, तो ₹15,000 हमारे उधार में गए हैं तो डेटर में चले जाएंगे, और कैपिटल हमारी कितनी इंक्रीज होगी कि 15,000, कितने का प्रॉफिट हो गया हमारे यहाँ पे, 3,000। मैंने बताया था कि प्रॉफिट जब भी होगा तो प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल में जाएगा, तो 15 में से 12,000 माइनस करेंगे तो 3,000 जाएगा कैपिटल में। वही मैंने करा है, 12,000 मैंने स्टॉक में से माइनस कर दिए, 15,000 मैंने डेटर में डाल दिए और 3,000 मैंने कैपिटल में डाल दिए। सेम अब आप यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे, अब जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 0 लगा दीजिए, उसके बाद बैलेंसिंग कीजिए। तो ये 50,000, ये 24,000 आएगा और यहाँ पे 5,000 आएगा फर्नीचर के नीचे, डेटर में 15,000 आएगा, क्रेडिटर में 16,000 आएगा और कैपिटल में 78,000 आएगा। तो ये हमारी फिफ्थ एंट्री थी। अब चलते हैं अपनी सिक्स्थ एंट्री पे। सिक्स्थ एंट्री हमारी पेड ₹1,000 फॉर रेंट। पेड ₹1,000 फॉर रेंट मतलब ₹1,000 पे किया है एज अ रेंट, ₹1,000 पे किया बिजनेस में पे किया, क्योंकि उसने जो जगह ले रखी थी वो रेंट पे ले रखी होगी। तो क्या होगा, कैश में से ₹1,000 माइनस हो जाएगा और कैपिटल में से ₹1,000 माइनस हो जाएगा, क्योंकि हर एंट्री दो जगह इंपैक्ट होती है। तो ₹1,000 कहाँ माइनस होगा, कैश में माइनस होगा, कैपिटल में माइनस होगा, क्योंकि हमने पे करा है, दोनों चीजें कम हो जाएंगी। और जहां पे कुछ नहीं आया वहां पे आप वही करेंगे, 0,0 लगा देंगे प्लस डाल के, इसके बाद आप बैलेंसिंग करेंगे। तो 49,000 आएगा, यहाँ पे 24,000, फर्नीचर के नीचे 5,000, डेटर के नीचे 15,000,
पैड डेटर के नीचे आएगा 16,000 और कैपिटल के नीचे आएगा 77,000। अब मैं समझाता हूँ कि जो दूसरी डेफिनेशन थी ना उसका क्या मतलब था। दूसरी डेफिनेशन का ये मतलब था कि जो एसेट के हम ये प्लस करेंगे कैश स्टॉक फर्नीचर और डेटर ये इक्वल होना चाहिए क्रेडिटर और कैपिटल के। आप हमेशा चेक कीजिएगा कि जो आपका आंसर आए क्रेडिटर और कैपिटल और जो एसेट वाला आंसर है ये दोनों का सम बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपका इसका सम कुछ और आ रहा है और आपका लायबिलिटी का सम कुछ और आ रहा है, तो उसका मतलब है आपने कुछ बड़ी गलती कर दी है। उसको दोबारा चेक कीजिएगा। हमारा हमेशा एसेट और लायबिलिटी दोनों बराबर होने चाहिए। तो इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद आपको एक बैलेंस शीट बनानी होगी, क्योंकि अब सब कुछ आपके पास है। हमारे पास एसेट है, हमारे पास लायबिलिटी और कैपिटल है। हमने देखा कि इन दोनों का सम क्या आ रहा है, बराबर ही आ रहा है, तो हम बैलेंस शीट बना सकते हैं। बैलेंस शीट की साइड होती है लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यहाँ पे आप कैपिटल और क्रेडिटर लिखेंगे। कैपिटल का अमाउंट आप देख लेंगे आपके 77,000 था, क्रेडिटर का अमाउंट कितना था 16,000। दोनों को प्लस करेंगे 93,000 आएगा। सेम इन चारों का सम भी कितना होना चाहिए 93,000 होना चाहिए, जो कि हो भी रहा है। कैश कितना था 49, स्टॉक कितना था 24,000, फर्नीचर 5,000 थे और डेटर भी 15,000 थे। तो इस तरीके से आपको बैलेंस शीट बनानी होगी। तो आज के लिए इतना ही। अब क्या करेंगे हम अगले लेक्चर में, स्टेप बाय स्टेप हम डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और यस प्लीज अगर आपके फ्रेंड या कोई रिलेटिव में हो जो कि 11th क्लास में हो तो प्लीज उन्हें शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।